सरकारी वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ फ्रेंड्स, एक वैकेंसी आ रखी है इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर 41 सब एरिया की तरफ से। जी हाँ फ्रेंड्स, ग्रुप सी की वैकेंसी है, बिल्कुल डायरेक्ट ज्वाइनिंग है और सिर्फ बिल्कुल कोई भी इसमें कुछ भी इतना मेडिकल कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि अगर आपको जरूर इसमें ज्वाइन करना है तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं हम। जैसे देख फ्रेंड्स, आप देख पाएंगे कि बिल्कुल सिविलियन ग्रुप की और आसाम लोकेशन के ऊपर है, सिर्फ एक वैकेंसी और अनरिजर्व्ड है, मतलब आपकी सारी कैटेगरीज के अंदर एलिजिबल है। और फ्रेंड दूसरी बार देख सकते हैं अगर पे इसकी इतना बढ़िया पे मिलने वाला है। फ्रेंड्स थोड़ा सा इसको भी हम देख लेते हैं कि किस तरह इस वैकेंसी को भरना है, किस तरह हम कर सकते हैं। फ्रेंड उसके लिए हम सबसे पहले चलेंगे हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आ चुके हैं हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। हमने क्लिक किया गवर्नमेंट सरकारी वैकेंसी पे। जैसे हम जाते हैं फ्रेंड्स, आप देखेंगे इसमें आपको मिल रहा है इंडियन आर्मी का। हम इस पे लेटेस्ट न्यूज़ के उसके ऊपर गए, जहाँ पे आप फ्रेंड्स देख पाएंगे कि आपको बिल्कुल सिटीजन की मिली हुई है एक वैकेंसी है। और फ्रेंड्स इसके अंदर आप देखेंगे ये ऑफलाइन है, 35 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना है। स्कूल आपकी 10वीं क्लास चल जाएगी। एज लिमिट थी 18 से 25। सैलरी बहुत बढ़िया रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस फ्रेंड कुछ भी नहीं, आपका डायरेक्ट भी होने वाला है। फिर भी उन्होंने लिख रखा है बेसिक रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं। एक पोस्ट है आपकी डायरेक्ट है, सिर्फ आपको जाना है, 100 रुपये की फीस जमा करनी होगी। फ्रेंड अप्लाई कैसे करना है आपको मैं बता देता हूँ। आप जाएंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर और फ्रेंड जाने के बाद फ्रेंड देखेंगे यहाँ पे आपको एक PDF के रूम में आपको ये पूरा ये मिलेगा। इसको आप चाहे हाथ से बना लीजिए, अगर आप बोलेंगे तो हम आपको पूरा प्रोवाइड करके दे देंगे। जहाँ पे आपका नाम, सॉरी यहाँ से शुरू होगा आपका आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे मैन जेंडर्स, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और फ्रेंड्स देन आपके पास आधार कॉन्टैक्ट नंबर, आपका डेट और ये आ जाएगा, पोस्टल एड्रेस बढ़ना, हाउस नंबर, विलेज, ऐसी परमानेंट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अगर आपका कुछ हुआ हो तो, एक्सपीरियंस अगर कुछ है तो लगाइए, नहीं तो रहने दीजिए, डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर आप कोई PWD EWS हो, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट रहे तो वो लगाना है, और कुछ नहीं आपको लगा के इसको ऑफलाइन भेजेंगे। ऑफलाइन कैसे भेजेंगे आपको मैं बता देता हूँ। एप्लीकेशन के ऊपर आप ये लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट बार, और लगाने के बाद फ्रेंड इसको डॉक्यूमेंट सब अटैचमेंट के बाद के अंदर आप फ्रेंड इसके एड्रेस के ऊपर भेजेंगे, जिन्होंने एड्रेस इसके अंदर बिल्कुल मेंशन कर रखा होगा। ये रहा एड्रेस आपका, एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सिविलियन ग्रुप हेडक्वार्टर सबको आसाम, आप इसके ऊपर इसको भेज देंगे। फ्रेंड्स आपको 35 दिन के अंदर अंदर भेजना है। फ्रेंड्स सिंपल वैकेंसी, इतना कुछ है नहीं जिसके अंदर मैं बताऊँ, कोई एग्जाम नहीं, कुछ भी नहीं। फ्रेंड्स बहुत इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप इसको भर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय। ऐसे आपकी वैकेंसी और भी मैं लाता रहूँगा, अगर आपको ज्वाइनिंग करना है तो फ्रेंड्स आप देख लेना और ऐसे अपडेट आते रहेंगे। अगर वीडियो लगता है तो फ्रेंड्स जरूर प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स इस यूट्यूब से जुड़े रहिए, तो कैसी वैकेंसी आपको मैं ला के बताता रहूँगा। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय। जय भारत, जय भारत।